भारतीय वायुसेना लगातार आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह दूसरे देशों की जगह अपने देश में बनाए गए विमानों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में आज का दिन वायुसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस शामिल हुआ है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले इस विमान LCA तेजस को सौंपा है। चलिए जानते हैं इस विमान की क्या खासियत है। दरअसल बेंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी ने बताया कि 2 सीटों वाले इस विमान में वायुसेना की प्रशिक्षण जरूरतों में सहयोग की सारी क्षमताएं हैं। अगर सेना को जरूरत पड़ी तो यह स्वयं को लड़ाकू की भूमिका में भी ढाल लेगा। ये विमान लड़ाकू की भूमिका भी निभाता है। बता दें कि LCA तेजस 2 सीटों वाला हल्के वजन का विमान है और इसकी एक और खासियत है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा, यह हर स्थिति में काम करेगा। LCA तेजस एक हल्का मल्टीपल रोल निभाने में सक्षम 4.5 श्रेणी का विमान है। भारतीय वायुसेना में तेजस के ट्रेनर वर्जन का शामिल होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये विमान भारतीय पायलटों का आधुनिक लड़ाकू विमान चलाने के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करेगा। वायुसेना को LCA तेजस सौंपे जाने के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और अन्य उपस्थिति में 2 सीटें वाले LCA विमान को लॉन्च किया गया। विमान को निरीक्षण के बाद ही सेवा के लिए सौंपा गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि इससे भारत उन विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने ऐसी क्षमताएं विकसित की है और उन्हें अपने रक्षा बलों में शामिल किया है। कंपनी ने कहा कि यह भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक और उदाहरण है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने HAL को 2 सीटों वाले 18 विमान का ऑर्डर दिया है और 2023-24 के दौरान उनमें से 8 की आपूर्ति करने की योजना है और 10 की आपूर्ति 2026 और 27 तक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया है। सेना का कहना है कि उससे पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तेजस MK-1 मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।